अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरी मूवी एक्सप्लेन वेलकम्स यू इन अ न्यू एनिमे सीरीज एज द मून सो ब्यूटीफुल। अब वो दिन आ गया था जब सब लोग स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे थे, पर जब आकने और औजमी एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें शर्म सी आती है, क्योंकि लास्ट टाइम औजमी ने आकने को डेटिंग के लिए कहा था तो आकने ने कहा डेटिंग मीन्स योर गर्लफ्रेंड, तो मुझे इस पे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इसीलिए अभी तक औजमी आकने के रिप्लाई का वेट करता है। ट्रिप में जाने से पहले टीचर सभी बच्चों की सेल फोन्स को ले लेती है, पर औजमी की फ्रेंड्स चलाक थे, वो वेपर के अंदर फोन छुपा के ला गए थे और ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ऐसा ही किया था। ट्रिप पे सभी लोग फोटो क्लिक करते हैं और फिर बाद में चिनात्सु आकने को लेके डिसाइड करती है कि उन्हें बॉयज़ के लिए कुछ गिफ्ट बाय करनी चाहिए, पर वो डिसाइड नहीं कर पाते। तभी वो देखते हैं कि बाहर औजमी है, इसीलिए चिनात्सु खुश होके उसके पास जाती है और उससे ओपिनियन लेती है। वो अपने ओपिनियन तो बताता है, पर जब वो आकने को देखता है कि वो भी वहाँ है तो वो सैड हो जाता है, क्योंकि आकने ने अभी तक उसके प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया था। रात में बेड पे सभी गेम खेल रहे होते हैं, पर औजमी अभी भी आकने के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है, पर उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे फ़ोन छीन लेते हैं और देखने लगते हैं कि वो क्या कर रहा है। औजमी तुरंत फ़ोन लेता है और बाहर जाके आकने को एक स्टोर के बाहर मिलने को बोलता है। उसे फ़ोन यूज करता देख टीचर उसका फ़ोन अपने पास रख लेते हैं। अब अगले दिन आकने बहुत सोचती है शॉप के पास जाने के लिए, पर एट लास्ट वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी। वो औजमी को टेक्स्ट करती है कि वो पहुंच चुकी है, पर तभी बारिश होने लगती है जिसकी वजह से आकने शॉप के अंदर चले जाती है, और जब औजमी भागता भागता आता है तो उसे शॉप के बाहर आकने नहीं दिखती, क्योंकि वो तो शॉप के अंदर चली गई थी। औजमी को उसके बाद आकने की फ्रेंड चिनात्सु दिखती है। औजमी चिनात्सु से उसका मोबाइल मांगता है ताकि वो आकने को फ़ोन कर सके, पर उसके पास तो आकने का नंबर ही नहीं था। पर चिनात्सु समझ जाती है और वो उसे खुद आकने का नंबर डायल करके देती है। औजमी आकने को फिर से मिलने को कहता है और वो फिर उसके पास चले जाता है। आकने कहती है कि यू आर लेट और तुमने चैट पर रिप्लाई तक नहीं किया। औजमी कहता है कि टीचर ने उसका मोबाइल छीन लिया था। फिर आकने कहती है कि तुमने चिनात्सु का ही फ़ोन क्यों लिया, मुझे लगता है कि तुम दोनों क्लोज हो। पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे सबसे नज़दीक चिनात्सु ही थी इसीलिए मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया। और थोड़ी देर बाद आकने खुद कहती है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ताकि मैं तुम्हें जान सकूं, समझ सकूं। इसका मतलब कि आकने ने औजमी का रिप्लाई का हाँ में जवाब दिया। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। औजमी और आकने अब एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर चुके थे, पर इन दोनों ने ये बात को सभी लोगों से सीक्रेट रखा था सिवाय आकने की बड़ी बहन के। पर इस रिलेशन की वजह से औजमी के ग्रेड्स गिरने लगते हैं। वो अपने एग्जाम और टेस्ट में बेकार परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए उसकी टीचर उसे पढ़ने को समझाती भी है। जब वो बाहर आता है तो उसे चिनात्सु मिलती है, जो उससे कहती है कि वो भी उसी हाई स्कूल में एडमिशन लेगी जहां वो ले रहा है, क्योंकि एट द एंड चिनात्सु को औजमी पसंद है। औजमी और आकने अब अपने रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब से स्कूल लाइब्रेरी में मिला करेंगे ताकि उन्हें थोड़ा प्राइवेसी मिल सके। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में आकने से पहले गलती से चिनात्सु लाइब्रेरी आ जाती है, और जब आकने आती है तो चिनात्सु समझ जाती है कि वो दोनों मिलने वाले थे, इसीलिए वो सॉरी बोलती है। साथ ही वो आकने को बताती है कि वो भी सेम क्रैम हाई स्कूल में जा रही है जहां औजमी जाएगा। ऐसा सुन के आकने को जेलसी फील होता है, क्योंकि वो उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से आकने का ध्यान अपनी रेस से भटक गया था और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। हीरा, जो उसे लाइक करता था, वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने रेस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब मिड स्कूल ख़त्म होने के ज़्यादा दिन नहीं हैं
और इसके बाद हम एक साथ रेस नहीं कर पाएंगे। और इधर चिनात्सु भी ओज़्मी के नज़दीक आने की ट्राई कर रही थी, इन सब से अनजान कि वो तो पहले से ही रिलेशनशिप में है। अब जब ओज़्मी अपने फ्रेंड के बुक स्टोर में होता है, जहां वो विलेज फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस किया करता था और स्टोरी लिखा करता था, तो उसके फ्रेंड्स को पता लग जाता है कि वो रिलेशनशिप की वजह से टेंशन में है। इसीलिए वो उसे अपने स्टोर रूम कुछ घंटों के लिए दे देता है, ताकि वो आकने के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। आकने जीएसपी की हेल्प से ओज़्मी के फ्रेंड के घर आ जाती है। दोनों साथ बैठते हैं, पर अभी भी इतने करीब नहीं बैठते। आकने ओज़्मी से उसके टेस्ट ग्रेड्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि इस बार भी ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि वो आजकल पढ़ नहीं रहा और बस स्टोरी लिख रहा है। आकने भी बताती है कि उसकी रेस भी अच्छी नहीं जा रही। इस पे ओज़्मी कहता है कि मुझे बस तुम्हें रेस करते देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो शर्मा जाती है। और थोड़ी देर बाद ओज़्मी आकने का हाथ पकड़ता है। ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। और थोड़ी देर बाद आकने को एक मैसेज आता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इस सीरीज से पहले लास्ट टाइम जो मैसेज आकने के फ़ोन में आया था, वो चिनात्सु का था, जो आकने को बताती है कि उसका ओज़्मी पर क्रश है। पर आकने मैसेज वाली बात ओज़्मी को नहीं बताती। नेक्स्ट डे ओज़्मी जब घर होता है, तो उसे एक पब्लिशर की तरफ से फ़ोन आता है, जिसे उसकी स्टोरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस बुलाता है। दूसरी तरफ आकने की बहन अपने पेरेंट्स को बता देती है कि आकने का किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। नेक्स्ट डे जब आकने और ओज़्मी लाइब्रेरी में मिलते हैं, तो आकने पब्लिशर वाली बात उसे बताता है, जिसे सुन के वो बहुत खुश होती है। पर वो मीटिंग संडे को थी, उसी दिन जिस दिन आकने का रेस था। ओज़्मी कहता है कि वो उसे सपोर्ट करने नहीं आ पाएगा, पर ठीक था, वो समझ सकते थे, इसीलिए वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों अपना बेस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे ओज़्मी भी पब्लिशर से मिलने के लिए निकल जाता है, और आकने भी रेस के लिए स्टार्ट होती है। पर रेस से पहले चिनात्सु आकने से उस मैसेज के बारे में बात करती है जो उसने भेजा था। यहाँ पे आकने को बताना पड़ता है कि वो ओज़्मी को डेट कर रही है। इस पे चिनात्सु कहती है कि हाँ, मैं ये पहले से जानती थी, पर थैंक यू मुझे ये बताने के लिए, बिकॉज एट द एंड वी आर फ्रेंड्स। इस वजह से आकने का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब एक्चुअल रेस स्टार्ट होती है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और चिनात्सु गेम जीत जाती है। दूसरी तरफ ओज़्मी जब एडिटर के पास पहुंचता है, तो एडिटर उसे कहता है कि वो अभी इन कामों के लिए बहुत यंग है, और वो उससे कहता है कि उसे लाइट नॉवल लिखनी चाहिए। इसका मतलब वो उसे रिजेक्ट कर देता है। देखा जाए तो दोनों आकने और ओज़्मी अपने अपने कामों में फेल हो चुके थे। जब ओज़्मी घर आता है, तो उसकी मॉम को पता लग जाता है कि वो एडिटर से मिलने गया था। वो उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि ओज़्मी पहले से ही फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और ऊपर से वो नोवेल स्टोरी लिखे तो वो अपनी पढ़ाई और फ्यूचर दोनों को बर्बाद कर देगा। और इधर जब आकने घर आती है, तो वो बहुत सैड होती है। वो सैड इस वजह से नहीं थी क्योंकि वो रेस हार चुकी थी, बल्कि वो सैड इसीलिए थी क्योंकि चिनात्सु ओज़्मी को लाइक करती है। और जब वो ये बात अपनी बड़ी बहन को बताती है, तो वो कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट डे दोनों लाइब्रेरी में मिलती हैं, और अपने होल डे के बारे में शेयर करते हैं, और वो फिर से प्रॉमिस करते हैं कि वो अगेन वर्क हार्ड करेंगे। और शाम को आकने चिनात्सु से मिलती है, और सॉरी कहती है कि उसने उसे डेटिंग वाली बात पहले बता देनी चाहिए। और चिनात्सु भी सॉरी कहती है कि मुझे ओज़्मी को पसंद नहीं करना चाहिए था। और वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड होने का प्रॉमिस करते हैं। अचानक चिनात्सु पूछती है कि वो एटलीस्ट ओज़्मी को ये तो बता सकती है ना कि वो उसे लाइक करती है। आकने शॉक हो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।